जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है दोस्तों। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें अब पाकिस्तान के किसानों पे जो अब यूरिया और डीएपी का जो बहरान आ चुका है, उससे पाकिस्तान के किसान इतने परेशान हो चुके हैं कि उनकी फसलें नष्ट हो रही है। और कहीं ना कहीं आप इस पैनलिस्ट को सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि 5 रुपए यूनिट वाली बिजली आज पाकिस्तान के किसानों को 22 रुपए में दी जा रही है, जबकि दूसरी ओर यूरिया के रेट अगर देखोगे तो 1300 रुपए का कट्टा मिलने वाला वो 2500 रुपए का और ब्लैक में मिल रहा है। और कहीं ना कहीं इस ब्लैक में पाकिस्तान की हुकूमत का जो साथ है वो सीधा सीधा सामने आ रहा है, क्योंकि आज ब्लैक में रातों रात कट्टे उतरवा लिए जाते हैं और अलग ब्लैक में बेच दिए जाते हैं। जबकि जो किसानों की आज जो दुर्दशा हो चुकी है, उसका जो अब दूरगामी परिणाम है ये बहुत बुरा आने वाला है, क्योंकि किसानों की जो फसलें हैं वो बिल्कुल नष्ट होने के कगार पे है। तो कहीं ना कहीं आज किसान इतना परेशान हो चुका है पाकिस्तान का कि वो अब आत्महत्या करने के दौर पे आ चुका है, क्योंकि अब अगर ये फसलें कम हुई तो आगे वैसे ही रेट आईएमएफ ने वैसे ही फिक्स कर रखे हैं, तो आगे जो रेट जो चीजों के होंगे आटा चीनी दाल के, वो और 3 या 4 गुना ज्यादा बढ़ने के आसार है, क्योंकि पैदावार कम होगी तो ऑटोमेटिकली भाव ज्यादा होंगे। तो दोस्तों देखिए, इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों हुकूमत है 2400 वाली डीएपी का रेट आज 9000 रुपए है, और 1300 वाली यूरिया का रेट आज जो कंट्रोल रेट है 1770 है, वो 2400-2500 में मिल रही है, और 5 रुपए यूनिट बिजली वाला आज 22 रुपए यूनिट हो गया। किसान खुशहाल हो गया। बाद में पाक चीन बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा कि हमारा मुल्क एक ज़रई मुल्क है, मगर आज हमारी ज़रात का जो हाल है ये सबके सामने है कि मौजूदा के दौर की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने, आज जरा सुनिए। हमारे पास एक अनटैप पोटेंशियल है एग्रीकल्चर का, वही पुरानी मोहनजोदारो की टेक्निक्स अभी तक इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में, जबकि चाइना की उनकी प्रोडक्टिविटी देखें वो किधर से किधर पहुंच गए। नाजरीन, एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ज़रात की तरक्की पर जोर देते हैं और अपनी काबीना की मीटिंग में ये कहते हैं कि ज़रात पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाए, मगर दूसरी तरफ जहाँ किसानों को पानी के मसाइल हैं वहाँ अच्छा बीज और खाद ना मिलने की बहुत सी शिकायतें भी हैं। इस वक्त मुल्क भर में ख़ास तौर पर सिंध और पंजाब में यूरिया खाद का बदतरीन बहरान पैदा हो चुका है, ना किसान को यूरिया खाद मिल रही है और ना ही किसान फसलों में डाल पा रहे हैं, जिसकी वजह से माहिरीन अब ये कह रहे हैं कि इस बार गंदम की फसल कम पैदा होगी। यूरिया खाद ना मिलने की वजह से किसान आज बहुत परेशान है, और जहाँ कहीं इसे खाद नज़र आती है वहाँ किसान क्या हाल करते हैं। पंजाब में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है, यहाँ भी खाद की अदम दस्तियाबी की वजह से किसान बहुत परेशान है। अब अगर हुकूमत किसानों को खाद नहीं देगी, अच्छा बीज उन्हें मैसर नहीं होगा, पानी भी दस्तयाब नहीं होगा, तो ज़रात का शोबा किस तरह से मुल्की मईशत को सहारा दे पाएगा। और फिर सबसे अहम बात कि अगर इस साल गंदम की पैदावार कम होती है तो क्या इस बार फिर हमें गंदम इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। मैं इसी पर बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चौधरी अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी अनवर साहब आपका। क्या वजूहात सामने आई हैं कि आप लोगों को यूरिया खाद नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से अभी जो मैं मनाजिर भी दिखा रही थी और बहुत जगहों के वाकयात सामने आए हैं कि जहाँ कहीं कोई किसान देखता है कि खाद का ट्रक ट्रॉली जा रही है तो लूट मार शुरू कर देते हैं, क्यों आप लोगों को इसके फरहमी मुमकिन नहीं हो पा रही है? बड़ा अच्छा सवाल किया जी आपने। गुजारा ये है कि किसान लूट मार नहीं करते, जो भी खाद का ट्राला आता है महकमा ज़रात उसे बताता है किसानों को कि ट्राला आ गया, और लंबी लंबी लाइनें लग के शाम को एक बोरी फी किसान मिलती है। अच्छा, आज से पहले जब गंदम की काश शुरू हुई थी तो डीएपी की अभी यही आलम था, डीएपी खाद नहीं मिल रही थी। पंजाब में 80% गंदम बगैर डीएपी के काश्त हुई है, जिस खेत में डीएपी की 1 बोरी 1.5 बोरी इस्तेमाल हुई है उसकी पैदावार 40 मन से ऊपर आएगी, और जिस खेत में डीएपी इस्तेमाल नहीं हुई उसकी पैदावार 20 से 22 मन आएगी।
नहीं मुझे एक बात बताएं कि फी एकड़ डीएपी नहीं, फी एकड़ डीएपी के कम से कम एक थैले की जरूरत होती है, लेकिन जो मैं पढ़ रही थी कि फसल बढ़ने के दौरान एक से डेढ़ बोरी फी एकड़, और फसल बढ़ने के दौरान भी तीन थैले की जरूरत होती है। आगे ये बताऊं जी, जब फसल बढ़ती है उस दौरान भी तीन थैलों की जरूरत होती है। देखिए जी, शुरू में डालनी पड़ती है डीएपी जमीन में, हाँ। काश के दौरान जमीन में दबानी पड़ती है, और उसके बाद फिर जरूरत पड़ती है यूरिया की। यूरिया गंदम की ग्रोथ करता है, बढ़ोतरी करता है। अब आगे यूरिया की बारी, डीएपी आम पड़ी है मार्केट में, जितनी मर्जी ले लो। अब सही, जब जरूरत थी एक बोरी नहीं थी मार्केट में, सही। अब यूरिया की जरूरत है, ये 15 से 20 फरवरी तक जरूरत रहेगी, जो कि एक भी बोरी मार्केट में नहीं है। अब हो ये रहा है कि यूरिया की कोई कमी नहीं है, स्टोर बड़े पड़े हैं, ट्राले आ रहे हैं रोज यूरिया के लोड होके। तो अब जा रहे हैं ब्लैक में यूरिया, जितनी चाहो 2400 से 2500 में जितनी बोरी आपको चाहिए मिल जाती है। मतलब ये ब्लैक में 2400-2500 में मिल रही है, 70 रुपए है, हाँ, और जो असल रेट है वो 1700-1800 रुपए है। असल रेट 1800 नहीं, 1770 रुपए है सिर्फ। अच्छा, 1770 रुपए की यूरिया मिलती है। यूरिया बनाने वाली तीन कंपनियां हैं, सोना, एंग्रो, फातिमा, और जिनके प्लांट रोज लाखों बोरी तैयार होती है, लाखों की तादाद, हजारों की नहीं, इतने बड़े बड़े प्लांट है। आज महकमा ज़राअत भी मिला हुआ है, वो 5000 फीट आले से अपने पैसे खड़े करता है और सिर्फ 200-300 बोरी तकसीम करता है, बाकी डीलर को बख्श देता है कि कल बेच लेना। अच्छा। ब्लैक में बेचना, हमारा दे दो, वो 5000 लेके चला जाता है। और जो इंतजामिया जिसमें एसीडीसी, उनका अमला उनसे ज्यादा पैसे लेता है। मैं इनको सबूत के साथ बताऊंगा कि रोज कितने ट्राले बिकते हैं, रोज कितने पैसे इंतजामिया लेती है, रोज कितने पैसे महकमा ज़राअत लेती है, रोज मेरे किसान को दिन के टाइम डीलर पैसे लेता है, दिन की रोशनी में 2400-2500 रुपए फी बोरी, और रात के अंधेरे में कहता है कि आपके घर पहुंच जाएगी, वो रेड़ी पे, रक्षे पे, डाले पे लोड करके रात को उसके घर, उसके फार्म पे पहुंचा देता है। कोई शार्टेज यूरिया की नहीं है, यूरिया इसका मतलब ज़खीरा दोज़ी हो रही है, और ये दो महीने शार्ट रहेगा। आगे मेरी बात सुनो जी, आगे मेरी बात सुने, ये दो महीने नहीं मिलेगा यूरिया, ये कमाई लगी हुई है इंतजामिया की, ये कमाई लगी हुई है महकमा ज़राअत की, ये कमाई लगी हुई है डीलर की, ये कमाई लगी हुई है कंपनी वालों की, ये मेरा किसान लुट रहा है। ठीक है, असल मसला ये है कि वजीरे ज़राअत लुट रहा है, जो सैयद फखर इमाम, जिनका काम है इन तमाम इश्यूज को एड्रेस कर रहा हूं, उन तक आप लोगों ने, जाहिर है ऐसा तो नहीं हो सकता उनके नॉलेज में ये बात ना हो। गुजारिश है, कभी एक वक्त था कि सैयद फखर इमाम बल्दियाती वजीर आजम थे और बल्दियाती इलेक्शन हार गए थे, दूसरे दिन इस्तीफा दे दिया जमीर को जिंदा रख के। आज फखर इमाम वजीर ज़राअत है, मैं उनकी शान में गुस्ताखी नहीं करता, कोई एक बयान बता दो जो फखर इमाम ने दिया हो कि यूरिया शार्ट है, क्यों शार्ट है, एक बयान भी। सूबाई वजीर गर्देदी साहब है, कोई उनका एक बयान देख दो, दिखा दो कि उन्होंने कहा कि वाकया यूरिया शार्ट है। वजीर बोलते नहीं, नौकरियां लगी हुई हैं, गाड़ियों पे झंडे लगे हुए हैं,
पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरा किसान रुल रहा है। ये सबसे बड़ा नुकसान आइंदा गंदम का होगा कि गंदम की मतलब पैदावार आधी आएगी, पैदावार हदफ के मुताबिक नहीं होगी, इमरान खान की हुकूमत टारगेट के मुताबिक नहीं होगी और मजबूरन इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, तो इम्पोर्ट करनी पड़ेगी ना मैडम। जो गंदम इम्पोर्ट करती है, बाहर कैदे आजम की तस्वीर वाला नोट नहीं चलता, वहाँ पे डॉलर चलते हैं। क्या इनके पास डॉलर है? क्या इनके पास इतने डॉलर है कि गंदम मंगवा सके? जब गंदम ही आधी होगी तो इमरान खान की ये अपोजिशन जो कहती है मार्च में मार्च करेंगे, ये बगैर मार्च के चला जाएगा। तो आप ये भी साथ आने वाली हुकूमत भी कोई आप साथ ये भी इंडिया दे रहे हैं कि कम पैदावार होने की वजह से इस बार गंदम महंगी भी हो सकती है। वो जब इस कौम को आटा नहीं मिलेगा, वो गरीब सबसे तीन चीजें ज्यादा खाता है, आटा घी चीनी, वो तीनों चीजें मौजूदा हुकूमत ने डबल रेट पे कर दिया, तो फिर बगावत तो होगी, भूखा सड़कों पे आएगा। लेकिन भूखा सड़कों पे जब आएगा तो क्या होगा? चौहान साहब, हुकूमत तो इस बात का बहुत ज्यादा क्रेडिट लेती है, हुकूमत बड़ा अपने आप को ये क्रेडिट देती है कि हमारे दौरे हुकूमत में किसान जितना खुश है इससे पहले कभी नहीं था। ये बड़े बादशाह लोगों की हुकूमत है, वो 2400 वाली डीएपी का रेट आज 9000 रुपए है, वो 1300 वाली यूरिया का रेट आज जो कंट्रोल रेट है 1770 है, वो 2400-2500 में मिल रही है, हो गया। ओ मेरा किसान की माली हालत पाकिस्तान की तारीख में आज तक इतनी बुरी नहीं हुई जो आज है, वो नई फसल काश करने के काबल ही नहीं रहा। लेकिन हुकूमत ये भी कहती है, क्रेडिट लेती है कि तो हमारे कपास की पैदावार बहुत ज्यादा हुई है, रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। कपास काश्त कहाँ थी, कितनी हुई है कपास? कपास तो सिंध में काश्त है, पंजाब में तो काश्त ही बहुत थोड़ी है, ये क्रेडिट ही ले रहे हैं। आप देखो फवाद चौधरी इनका वजीर है, बड़ा इज्जतदार वजीर है, कहता 3 रुपए की जो गोली है वो अगर 7 रुपए की हो गई है तो कौन सी क्यामत आ गई है। बहुत बहुत ये उसने बयान दिया ना बिल्कुल, कि 3 रुपए की जो इंसानी दवाई है गोली है वो 7 रुपए की आ गई। अभी हम